यहाँ पार्टी में सभी शौशंक की तारीफ करते हैं कि मैजिस्टी ने उसके लिए टिकरी लिखी है। शौशंक खुश होती है। वांगलिंग कहती है, क्या मैजिस्टी ने गलत लिखा है? शौशंक मना करती है और कहती है कि मैं गलत हूँ, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जैसा मैजिस्टी ने मेरे बारे में कहा। कमी तो मुझ में भी है। सभी लड़कियाँ मना करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी एक दूसरे को टोस्ट करती हैं। लावली कहती है, मैजिस्टी अंधे हैं क्या? वो उसे प्रेस कर रहे हैं जिसे कुछ भी नहीं आता। रामलिंग रुकती है और कहती है, ऐसे ही बात मत करो नहीं तो तुम्हारी मदर तुम्हें मारेंगी। रामपेंग आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। शौशंक चलने में आनाकानी करती है। रामपेंग इशारा करती है, शौशंक वहाँ से उसके साथ चली जाती है। बाहर आकर शौशंक पूछती है, इतनी क्या जल्दी है? तुम देख रही हो ना, सभी मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हैं। रामपेंग कहती है, जनरल लिंग में 3 मैसेज आपको देने के लिए कहा है। पहला, उन्हें आपसे कुछ कहना है। दूसरा, आपको चिंता करने के लिए मना किया है। वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपको उन पे ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं। शौशंक कहती है, उनको कहना कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूँ, मिलना गलत है। रामपेंग शौशंक को रोकती है और कहती है, उनका तीसरा मैसेज, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप उनसे मिलने के लिए मना करेंगी तो वो खुद यहाँ आपसे खुद मिलने आ जाएंगे। अगर इससे कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हें ये एंगेजमेंट तोड़कर उनसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम वहाँ नहीं पहुँची तो वो समझ जाएंगे कि तुम उनसे शादी के लिए मान गई हो। शौशंक गुस्से में आती है और कहती है कि कोई भी मुझे ऐसे धमका नहीं सकता है। वो बुई से मिलने के लिए पहुँचती है। बुई सामने खड़ा होता है। बुई उसके पास आता है और पूछता है, आप यहाँ मुझसे मिलने आई हैं? क्योंकि मैं आपको ढूंढ रहा था, या फिर मेरा तीसरा मैसेज सुनने की वजह से आई है? शौशंक कहती है, आपने मेरी लाइफ बचाई है और मेरी कई बार हेल्प भी की है, इसलिए मैं आपसे अच्छे से पेश आती हूँ। आप मुझे यहाँ मिलना क्यों चाहते थे? वही कहता है, आप मुझसे यहाँ थर्ड मैसेज की वजह से मिलने आई हो। अच्छी बात है, सतर्क रहना चाहिए। शौशंक कहती है, अगर आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं चलती हूँ। वही कहता है, मैं आपसे कुछ टाइम बात करना चाहता हूँ। आप चिंता ना करें, मैंने सभी को यहाँ से हटा दिया है। मैं नहीं चाहता था कि हमारी मीटिंग आपको कोई प्रॉब्लम दे, और मैं किसी को हमारे बारे में बताना नहीं चाहता था। शौशंक कहती है, आपको पता है ना, मैं याओ की फियांसे हूँ, ऐसे आपसे मिलना ठीक नहीं है। वही पूछता है, आप शादी के बाद क्या करोगी? शौशंक कहती है, मैं फिजिशियन से मिलकर मेडिकल स्किल और नॉलेज लूंगी ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, और मैं फार्मिंग मेथड को अच्छा करूंगी ताकि कम मैन पावर लगे और फूड सप्लाई इंक्रीज हो। वो बहुत सारे ओपिनियन देती है और पूछती है, आपने मुझसे यहाँ यही पूछने बुलाया है क्या? वो उसकी तारीफ करता है और कहता है, आपका दिल बहुत साफ है, बट हम दोनों के रास्ते बहुत अलग है। शौशंक एग्री करते हुए कहती है, हम दोनों अलग है। वो भी हाँ करता है और कहता है, आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। शौशंक कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई वॉर होने वाली है क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? बुई कहता है, मैं आज रात निकल रहा हूँ, हो सकता है मैं इस बार मर ही जाऊँ, यही एक सोल्जर की किस्मत होती है। शौशंक, मुझे पता है तुम लुआओ के साथ रहना चाहती हो, बट जल्दबाजी मत करना। मैं मैजिस्ट्री से कहकर तुम्हें सेफ प्लेस में पहुँचा दूंगा, तुम इधर उधर मत चली जाना, क्योंकि तुम अपनी फैमिली कंट्रोल से छूटना चाहती हो। तुम कमजोर हो, तुम झेल नहीं पाओगी। मैं सोचता हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें फ्लूट बजाते हुए नहीं सुना, हम एक दूसरे को जानते हैं। शौशंक कहती है, आप डेंजरस प्लेस में जा रहे हो, आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप मेरी फ्लूट सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए जरूर बजाऊंगी जब आप जीत कर लौटेंगे। बुरी कहता है, आपको अपने हस्बैंड के लिए फ्लूट बजाना चाहिए, आपकी शादी होने वाली है। अगर मैं लकी रहा, मैं आपके लिए स्ट्रेंजर बन जाऊंगा और आपसे कभी भी नहीं मिलूंगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आप जा सकती हैं। शौशंक पूछती है, आपका क्या? वही कहता है, मैं यहाँ कुछ टाइम रहना चाहता हूँ। शौशंक उसे देखती है और वहाँ से चली जाती है। बुई उसे मुड़कर देखता है। यहाँ बुई लिंग रेजिडेंस से निकलता है। क्विकी बताता है, पेन ने मैप भेज दिया है, उसने अपना काम कर लिया है, बट वो क्वाइट लाइफ प्रेफर करता है, उन्हें कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए कोर्ट में। बुई कहता है, ग्रैंड ट्यूटर लू ने उन्हें रोक लिया होगा ताकि वो मैजिस्ट्री को सर्व ना कर सके। सेकंड फैमिली उनकी सुनती है, वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगी जब वहाँ उसकी शादी होगी। यहाँ शौशंक बैठी होती है,
और बुई के बारे में सोचती है। बुई शौशन के साथ जो पल बिताए होते हैं वो उन्हें याद करता है और घोड़ों पे बैठता है। योगी कहता है, हमने ट्रूप्स को बाहर इकट्ठे कर लिए हैं, हम कब निकल रहे हैं? बुई कहता है, अभी। और सभी चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक महीने बाद बुई मैजेस्टी को बताता है कि हम मिशन में जीत के आ चुके हैं और प्रिंस योंग के साथ उनके बेटे को भी हमने पकड़ लिया है। मैजेस्टी खुश होता है और उसे उठने को कहता है। वो पूछता है, क्या जनरल ही का बेटा जिंदा है? जनरल वो कहता है, मैं उन्हें बचा नहीं पाया, ही फैमिली कंट्री के लिए शहीद हो गई। अगर जनरल ही या उनकी फैमिली हमारी हेल्प नहीं करती तो हम वॉर को जीत भी नहीं पाते। यहाँ प्रिंस योंग को लाना इम्पॉसिबल था। मैजेस्टी कहता है, भगवान ने मेरे लॉयल जनरल को मुझसे छीन लिया। जब जनरल ही के लिए जा रहे थे उनके चेहरे पे खुशी थी, किसी को क्या पता था वो लौट कर वापस नहीं आ पाएंगे। जनरल वो कहता है, जनरल ही की आखिरी ख्वाहिश है। मैजेस्टी पूछता है, क्या? बताओ मुझे, मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। जनरल ही को चिंता थी अपने बेटे और बेटी की। उनका बेटा अभी बहुत छोटा है। जाओ जुन प्रिंस शाओ से शादी करने वाली थी, बट वो पहले याओ की फियांसे थी। शाओ फैमिली की वजह से ही फैमिली खत्म हो गई। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो जाओ जुन की शादी लू रेजिडेंस में कर दे। मैजेस्टी कहता है, उसकी फियांसे भी है। जनरल वो कहता है, जनरल ही को पता नहीं था कि लू याओ की एंगेजमेंट चेन शाओशेंग से हो गई है। ही फैमिली ने बहुत कुछ देखा है, आप इस मैटर को खुद ही डिसाइड करें। सॉन्ग बाई कहता है, इसमें डिसाइड क्या करना है? हम ऑफिशियल हमेशा कंट्री के लिए लेवल रहना हमारी ड्यूटी है। भले ही मेरी बात कड़वी लगे, हमने कंट्रीब्यूशन किया है। दूसरा ऑफिशियल लॉर्ड जाओ कहता है, हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, ये फैमिली खत्म हो चुकी है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। एक ऑफिशियल कहता है, मैजेस्टी को डिग्री लिखनी चाहिए और जनरल ही की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। वो जनरल वो से पूछता है, क्या आपने सब कुछ सोच लिया? आप किसी की मेरिट को देखकर ऐसे रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? अदर ऑफिशियल कहते हैं, चेंग और लू फैमिली में शादी अभी तक नहीं हुई है। एक और कहता है, प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। यहाँ कोई ऑफिशियल जनरल ही के फेवर में कहता है, कोई अगेंस्ट में होता है। मैजिस्ट्रेट से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बताता है।